नमस्कार, न्यूज फ्लैश में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की ताज़ा खबरों की ओर। गुरु और शिष्य का अनूठा संगम गुरु पूर्णिमा है और गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय के गंगरार उपखंड के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर जयश्री क्लासेज और ATBF के तत्वाधान में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जहाँ शिष्यों ने अपने गुरु के लिए रक्तदान कर गुरु पूर्णिमा दिवस मनाया। एकत्रित रक्त किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति के काम आएगा, जो किसी न किसी व्यक्ति का जीवन बचाएगा। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गंगरार में जयश्री क्लासेस गंगरार और आचार्य तुलसी बहुउद्देश्य फाउंडेशन के संयुक्त प्रयास से रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ। शिविर में 90 यूनिट रक्तदान हुआ। भाजपा जिला महामंत्री देवी सिंह राणावत ने गणपति जी को माल्यार्पण और दीप प्रज्वलित करके शिविर का शुभारम्भ किया। उनके साथ मंडल अध्यक्ष ज्योतिष पुरोहित, मंडल महामंत्री भूपेंद्र सालवी, गोपाल चतुर्वेदी, महावीर शर्मा, जितेंद्र सिंह आदि उपस्थित रहे। रक्तदाताओं को प्रेरित करते हुए कहा कि आपका ये योगदान किसी का जीवन बचाएगा और दूसरों को भी नेक कार्य के लिए प्रेरित करेगा। गुरु पूर्णिमा महोत्सव मनाया जा रहा है गंगरार के अंदर। NCC के कैडेट यहाँ पे मौजूद है और राष्ट्रीय सेवा योजना के साथ जुड़े हुए, किस नज़र से देखते हैं आप? क्या नाम आपका? ठीक, किस नज़र से आज जो गुरु पूर्णिमा महोत्सव गंगरार के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मनाया जा रहा है, कैसा लग रहा है आपको ये अनूठा संगम देख के? पहले कभी इस प्रकार के कार्यक्रम में गए? लेकिन देश भर में शायद पहला ही ऐसा गुरु पूर्णिमा महोत्सव है जो गंगरार में मनाया जा रहा है, और कभी आज तक शायद सुनने में नहीं आएगा गुरु पूर्णिमा महोत्सव पर कहीं रक्तदान दिवस का आयोजन किया गया है। किस नज़र से देखते हैं? बहुत अच्छा लग रहा है, सोशल सर्विस करके कैसा लगता है आप सभी कैडेट्स को? सर आपका परिचय बताइए। हाँ देवी सिंह जी, देश भर में गुरु पूर्णिमा का महोत्सव बड़े धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है, लेकिन गंगरार में एक अनूठे अंदाज में गुरु पूर्णिमा महोत्सव मनाया जा रहा है। यहाँ रक्तदान दिवस का आयोजन किया गया है, किस प्रकार से देखते हैं और किस प्रकार का आयोजन यहाँ किया जा रहा है? किसी को जान से जान पहुँचाने के से ऊपर कोई चीज नहीं है। इसी के तहत श्री क्लासेस हम ATBF के तत्वाधान में भव्य रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। हम सबका उद्देश्य है अधिक से अधिक रक्तदान करने का, और उसके लिए हम सब प्रयास करते हैं। और विभिन्न विषयों में किसी की जान कैसे बचाई जा सकती है, इस संदर्भ में हम सब प्रयास कर रहे हैं। और सबको मैं कहना चाहूँगा, उसी तरह आयोजन होता रहे और हम रक्तदान करते रहें। कैसा लगता है जब ATBF इस तरह के आयोजन दिवस के रूप में मनाता है, इस प्रकार आज जो गुरु पूर्णिमा जो दिवस है वो गुरु पूर्णिमा जो महोत्सव है इसको ब्लड दिवस के रूप में मना रहा है, मानव सेवा के रूप में मना रहे हैं। बहुत ही सराहनीय कार्य है, श्रेष्ठ कार्य है। जैसे निरंतर कई वर्षों से ये संस्था करती आ रही है, और भविष्य में भी इसी तरह ये काम रक्तदान करते हैं, रक्तदान का आयोजन करते रहेंगे। देवी सिंह जी, गुरु पूर्णिमा जो है वो गुरु का दिन है, लेकिन ये गुरु का दिन आज यहाँ पे गुरु को शिष्य के द्वारा रक्तदान करके मनाया जा रहा है, कैसा लग रहा है आपको जब ये विशिष्ट और अनूठा त्यौहार पूरे देश भर में पहली बार गंगरार में आयोजित किया जा रहा है? अपने आप को गर्व महसूस हो रहा है कि आपके द्वारा ऐसा आयोजन किया जा रहा है, और हम सब इनसे प्रेरणा लेकर के आने वाले गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में भव्य रक्तदान शिविर का। आपका परिचय बताइए। मैं नारायण शर्मा, जय श्री क्लासेस गंगरार। नारायण जी, आप जयश्री क्लासेस के डायरेक्टर हैं और आज गुरु पूर्णिमा है। सबसे पहले तो आपको चैनल के माध्यम से गुरु पूर्णिमा की बधाई। गुरु पूर्णिमा को लेकर आप एक अनूठा और विशेष आयोजन गंगरार में आपने रखा है, क्या है वो आयोजन? आज के दिन गुरु पूर्णिमा के अवसर पर रक्तदान शिविर का महा आयोजन रखा है, जिसमें समस्त गंगरार के ग्रामवासी और चित्तौड़गढ़ सहयोगी टीम ATBF चित्तौड़गढ़ द्वारा सहयोग के तत्वाधान में हमने रक्तदान का शिविर रखा है। नारायण जी, ये आपके मन में कैसे आया कि गुरु पूर्णिमा पे रक्तदान शिविर का आयोजन किया चाहिए? अभी काफ़ी समय से न्यूज़पेपर के माध्यम से और जो हमारी ATBF की टीम है, साथी टीम, उनके माध्यम से फ़ोन कॉल और मीडिया के माध्यम से ये पता चल रहा था कि रक्त की बहुत ज़्यादा कमी चल रही थी, जिसके चलते हमारा जो सांवरिया जी अस्पताल है वहाँ पर भी रक्त की कमी चल रही थी। इस वजह से हमने इस पावन अवसर पर रक्त की कमी को पूरा करने के लिए आज का शिविर आयोजन किया है। आचार्य तुलसी बहुउद्देश्य फाउंडेशन लगातार ऐसे अनूठा आयोजन करती आ रही है। आज गुरु पूर्णिमा पर शायद लगता है देश भर में ऐसा पहला अनूठा आयोजन हो रहा है जो गुरु पूर्णिमा पर एक शिष्य जो है और गुरु का अनूठा संगम हो रहा है, और यहाँ पर शिष्य अपने गुरु को दक्षिणा स्वरूप रक्तदान कर रहे हैं।
सर, हमने तो हमारा प्रयास किया है और कोशिश यही है कि हम इसको और आगे लेके जाएं और हमेशा हर साल इसी काम को, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते जाएं और हर साल गुरु पूर्णिमा के अवसर पर इस कार्यक्रम को लगातार सफल बनाते रहें। ATBF के सेवा प्रकल्प को कैसे देखते हैं आप? ATBF सेवा प्रकल्प को अगर मैं बात करूँ तो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। समय समय पर जब भी डोनर को जरूरत पड़ती है हम सहायता मांगते हैं और सहायता उनकी तरफ से हाजिर रहती है। हमेशा किसी भी डोनर को खाली हाथ नहीं जाने दिया जाता है। जहाँ रक्त की जरूरत पड़ती है वहाँ ATBF टीम आगे होती है। नारायण जी, बहुत अनोखा और बहुत ही सटीक बढ़िया आयोजन आपके द्वारा किया जा रहा है। बहुत बहुत बधाई आपको। जी सर, धन्यवाद। थैंक यू सर।